फ्रेंड्स हमारे अंडा की बिरयानी बन के एकदम तैयार हो चुकी है और ये बहुत ही टेस्टी हुई है फ्रेंड्स, बहुत ही लाजवाब है फ्रेंड्स। इसको आप बनाएं और ट्राई करें, आपको बहुत ही पसंद आएगा फ्रेंड्स। ये बच्चों को बड़े को सभी को बहुत पसंद आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सबीना, गौसिया किचन में आप सभी का खुशामदीद करती हूँ। और मैं अभी बनाने जा रही हूँ फ्रेंड्स अंडे की बिरयानी। तो यहाँ मैं 6 पीस अंडा ले ली हूँ, इसको मैं बॉयल करके रखी हूँ। यहाँ नमक स्वाद अनुसार डालूँगी, थोड़ा हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची का पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट, दही, 200 ग्राम मैं बासमती राइस ली हूँ, 2 हरी मिर्ची को मैं काट के रख ली हूँ, थोड़ा गरम मसाला, 2 तेज़पत्ता, 1 बड़ा प्याज मैं चॉप करके रखी हूँ, यहाँ हरी मटर मैं ले ली हूँ फ्रेंड्स, थोड़ा धनिया पत्ती। चलिए फ्रेंड्स अब शुरू करते हैं। फ्रेंड्स हमारे यहाँ पानी भी खोल चुके हैं और मैं इसमें नमक डाल देती हूँ 1/4 चम्मच। 200 ग्राम ये हमारे चावल हैं फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स हमारे पानी खोल चुके हैं और मैं इसमें 2 चम्मच मैं तेल भी डाल देती हूँ, इससे हमारे चावल बहुत खिले खिले होंगे। ये देखिए आधा घंटा पहले मैं चावल भिगा करके रखी थी, इसको मैं डाल रही हूँ। फ्रेंड्स देखिए हमारे चावल एकदम बनकर के तैयार हो चुके हैं और इसको मैं निकाल लेती हूँ छन्नी में ताकि इसका पानी अच्छे तरीके से छन जाए। एक हिस्सा मैं इसको कच्चा रखी हूँ फ्रेंड्स, अभी मैं दम लगाऊंगी जब ये पूरा अच्छे तरीके से पक जाएगा। ये देखिए फ्रेंड मैं चावल को पका के निकाल ली हूँ छन्नी की सहायता से, मैं इसको छान ली हूँ, इसका पानी पूरा मैं निकाल चुकी हूँ और मैं इसको एक तरफ रख दे। फ्रेंड्स हमारे तेल भी गर्म हो चुके हैं और मैं अब अंडे को फ्राई कर लेती हूँ। अंडे को बहुत काफ़ी डीप नहीं करना है फ्रेंड्स, हल्का ही बस लाल करना है इसको। देखिए फ्रेंड्स हमारा अंडा हो गया है और मैं अब अंडे को निकाल लेती हूँ, बहुत काफ़ी लाल डीप फ्राई नहीं करना है इसको। अब मैं इसी में प्याज को भून लेती हूँ। प्याज को मैं लाल फ्राई करूँगी फ्रेंड्स, डीप फ्राई करूँगी एकदम। ये देखिए फ्रेंड्स हमारे प्याज भुना चुकी है, थोड़ा सा और बाकी है। ये देखिए फ्रेंड्स हमारे प्याज भुना चुकी है, मैं इसको निकाल लेती हूँ, थोड़ा सा मैं इसमें छोड़ दी हूँ। अब इसी में मैं डाल देती हूँ अपना ये गरम मसाला। दो चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर, 1/4 हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच दही,
इसको अच्छे तरीके से भूनूंगी फ्रेंड्स। आधा चम्मच मैं नमक भी डाल रही हूँ फ्रेंड्स मसाले में। मैं चावल में भी नमक डाल चुकी हूँ। एक चम्मच मैं गरम मसाला डाल रही हूँ फ्रेंड्स। इससे हमारे मसाले में, हमारे बिरयानी में अच्छा टेस्ट आता है गरम मसालों से। मैं इसमें हरा मटर भी डाल देती हूँ फ्रेंड्स। फ्रेंड्स देखिए हमारे मसाले अच्छे तरीके से भुना चुके हैं और अब मैं इसमें अंडा भी डाल देती हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए हमारा मसाला अच्छे हो गए हैं एकदम। अब मैं ऊपर से चावल लगा डाल देती हूँ फ्रेंड्स। मैं एकदम इजी तरीके से बता रही हूँ फ्रेंड्स आपको बिरयानी बनाने का ढंग। थोड़ा सा मैं तेल डाल रही हूँ फ्रेंड्स ऊपर से। हरी मिर्ची, धनिया की पत्ती, हमारा भुना हुआ प्याज, ये केसर के धागे हैं फ्रेंड्स और जाफरानी कलर भी है। मैं ढक्कन लगा देती हूँ फ्रेंड्स बिरयानी को दम के लिए। सात आठ मिनट तक मैं दम लगाऊंगी फ्रेंड्स लो फ्लेम पर। फ्रेंड्स हमारी बिरयानी दम तैयार हो चुकी है और ये देखिए सात से आठ मिनट हो गया, ये देखिए। और अब मैं इसको आपको सर्व करके दिखाती हूँ। फ्रेंड्स हमारे अंडा की बिरयानी बनके दम तैयार हो चुकी है और ये बहुत ही टेस्टी हुई है फ्रेंड्स, बहुत ही लाजवाब है फ्रेंड्स। इसको आप बनाएं और ट्राई करें, आपको बहुत ही पसंद आएगा फ्रेंड्स। ये बच्चों को, बड़े को, सभी को बहुत पसंद आता है फ्रेंड्स। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।